सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रमेश जवाना डायरी फार्म पर। जितने भाई Facebook पे हैं, WhatsApp पे हैं, वीडियो को शेयर करें, और जितने भाई वीडियो को पहली फेरी देख रहे हैं वो पास में लगे घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो कवर कर रहे हैं जिला जींद थानेदार डायरी फार्म से। बहुत ही बढ़िया जोटी इस भाई के पास मिलती है और सामने जोटी खड़ी भी है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा हाइट की जोटी कैमरे के सामने आज। राम राम भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब? नरेश भाई साहब। नरेश भाई साहब, पहले नंबर पर जोटी कौन से ब्यांत की है? तीसरे ब्यांत की। दूध कितना तैयार है भाई साहब? कितने दिन की ब्याई है? 22 लीटर दूध तैयार है भाई साहब। ये 10-11 दिन की ब्याई हुई है। 10-11 दिन की ब्याई में 21-22 लीटर दूध तैयार है। ठीक ठीक, ये देखिए जोटी के अंदर 21-22 लीटर दूध तैयार है। और जो शरीर है जोटी का वो आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कैमरे के सामने है जोटी। भाई साहब रेट क्या है इसका? 2,80,000 रुपये रेट है। ये देखिए बहुत ही भारी और कमजोटी। और जो हाइट है मैं इसकी थोड़ा हो वो मैं आपने दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा हाइट। भाई साहब कितनी हाइट होगी इसमें इसकी? भाई साहब मेरी 5 फुट 10 इंच हाइट है, ये देख लो इसकी हाइट कितनी हो सकती है। ठीक ठीक, यानी कि आपके तो लगभग ही है भाई साहब ये। और यानी कि आपकी हाइट कितनी भाई? 5-7? 5-10 है भाई साहब। 5-10 है, ये देखिए भाई की हाइट 5-10 है और इसके नज़दीक ही है मैस, बहुत ज़्यादा ऊंची मैस है। थोड़ा खोल के ले भाई, थोड़ा और खोल ले मैस ने। ये देखिए बहुत ही बढ़िया भारी और कमजोटी। और जो पीठ है जोटी की ये पूरी तरह से कवर करके आपने दिखाऊंगा। ये देखिए बहुत ही चौड़ी फीट की है और ये देखिए चलने फिरने में भी कोई दिक्कत नहीं है मैस के। ये देखिए मेरे ख्याल से तो अगर कोई भी आप जोटा भी मैस के बराबर में बांध देंगे तो उसके ही बराबर की है। बहुत ही मुश्किल बुल भी इसके सामने इतना ऊंचा टिक पाएगा, इतनी हाइट है इस मैस की। ये देखिए और बहुत ही बढ़िया जो ऑर्डर क्वालिटी है वो मैं आपने दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ऑर्डर। अभी तो क्योंकि खाली ही मान के चलो जोटी ने, देखिए पूरी तरह से पूरे ऑर्डर भी नहीं भरिया। और जोटी के अंदर 21 लीटर दूध तैयार है भाई साहब? इक्कीस लीटर दूध तैयार है मौके के ऊपर। मौके के ऊपर है भाई। ठीक ठीक, ये देखिए जैसे भाई ने बताया भाई 21-22 लीटर मौके के ऊपर दूध तैयार है। ले भाई साहब मेरी साइड में, ये देखिए बहुत ही बढ़िया जोटी। और जो सींग है वो मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि तीसरे ब्यांत में है जोटी, फिर भी बहुत ही बढ़िया सींग। ये देखिए बिल्कुल गोल सींग में है। ले चल भाई साहब बांध दे, और बिल्कुल जेड ब्लैक जो टेल है थोड़ा, जिसके भी जाएंगे नहीं। हाँ जी, बस गुण गान गाएगा भाई साहब। अच्छा जी, कितना दूध निकाल देगी भाई आपके? 25 लीटर दूध कट दे पक्के। 25 लीटर आराम से निकाल देगी। 25 लीटर की जमा। ठीक ठीक, जैसे भाई ने बताया भाई 25 लीटर दूध की उम्मीद है जोटी से। भाई साहब दूसरे नंबर पे है इसकी क्या डिटेल है? इसकी नंबर पे जोटी है, क्या डिटेल है इसकी भाई साहब? छह दांदा खरकी में 16-17 किलो दे है इसने। अच्छा जी, और इसमें फिलहाल 17-18 किलो दूध तैयार है। 22 किलो की उम्मीद है इसकी। 22 किलो की उम्मीद है। नीचे क्या है भाई साहब? नीचे कटड़ा है, नीचे मेल काफ है। ब्याई कितने दिन की है भाई साहब? ये 7-8 दिन की ब्याई है। ये देखिए ये भी भारी भरकम जोटी है, 7-8 दिन की ब्याई, बहुत ही बढ़िया। आज भाई के पास 3 जोटी हैं, तीनों बहुत ही बढ़िया। और हाइट की बात करूं बहुत ही मुश्किल से इतनी हाइट की जोटी आपको मिलेंगी। ये देखिए कुछ तो जोटियों के हम कहते हैं भाई बीच की हाइट है और यह पूरी हाइट है, यानी कि इनकी फुल हाइट है। ये भाई साथ में खड़े, भाई साहब खड़े हुए साथ में। ये देखिए बिल्कुल फुल हाइट की जोटी है। ये देखिए और पीठ की तो बात ही क्या करें। ये देखिए बिल्कुल खड़ी फीट की है जोटी। गुरुदेव कैमरा मार के दिखा दूंगा सभी भाइयों को ताकि किसी भाई को कोई परेशानी ना आए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया पसार निकाला। धार कैसी भाई साहब इसकी? छोटा बाढ़ निकाल ले धार। अच्छा ऐसी धार है। ये देखिए जैसे भाई ने बताया भाई बिल्कुल फोली चवाई की जोटी। और जो बॉडी स्ट्रक्चर है जोटी का देखिए बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा रोकिए भाई, उड़े रोक दे, बस उड़े रोक दे। थोड़ा नीचे ही दिखाना चाहूँगा जो नसें इसके अडर के ऊपर, वो देखिए बहुत ही बढ़िया नसें, क्योंकि जिस भी जोटी का अडर पर खासी नसें हैं, बहुत ही बढ़िया दूध निकालते हैं। बांध दे भाई साहब, बहुत ही साफ सुथरी जोटी, बहुत ही भारी वरकम। थोड़ा सींग आपने दिखाना चाहूँगा जोटी का, आगे जाके साइड में आ जाओ भाई साहब। ये देखिए थोड़ा सा खुले सींग की जरूर, बहुत ही बढ़िया।
भाई साहब तीसरे नंबर पे जो टेक क्या डिटेल है इसकी भाई साहब खरकिन है ये तो दूसरा ब्याह या खरकिन है दे रखा है 13-14 किलो दूध दे हुआ है इसकी। अच्छा जी ठीक ठीक कल ब्याह हुई है ये फिलहाल 10 किलो दूध तैयार है। अब 10 लीटर दूध तैयार है खीस से खाली होंगी हो मैं नीचे क्या है भाई साहब नीचे कटिया है ये देखिए जो टी के नीचे कटिया है दूसरे ब्यांत में है ये देखिए बहुत ही बढ़िया जो टी कैमरे के सामने आपको दिखाई दे रही है और क्योंकि जो टी ने 13-14 लीटर दूध निकाला है और इस ब्यांत में कितना निकाल देगी भाई साहब कुछ उम्मीद है 16-17 किलो दूध आराम से निकालना चाहिए ये देखिए जैसे भाई ने बताया भाई 16-17 लीटर दूध आराम से निकालना चाहिए और बहुत ही बढ़िया जो हाइट है जो टी की मैं वो आपने बताऊँगा थोड़ी सी बीच की हाइट है और जो अडर है इसका मैं आगे से कवर करके दिखाऊंगा ये देखिए नशे बहुत बढ़िया अडर के ऊपर और जो स्पेस है थड़ों के बीच में वो आपने दिखाई दे रहा है ये देखिए बहुत ही बढ़िया अडर की यानी कि खाली होती जो टी है जिस टाइम पूरे अडर उस पर जो टी पूरे दूध पे आएगी पूरे पीक पे आएगी तो बिल्कुल पीछे की तरफ अडर आएगा निकल कर ये देखिए बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल जेड ब्लैक है जो सींग है थोड़ा वो मैं कवर करूँगा ये देखिए बिल्कुल छोटे सींग की बहुत ही बढ़िया नीचे क्या है भाई फीमेल का मेल काफ है बहुत ही बढ़िया जो टी बहन दे भाई साहब और बिल्कुल जेड ब्लैक ये देखिए जो बॉडी स्ट्रक्चर है जो टी का बहुत ही बढ़िया और जींद के अंदर बहुत ही बढ़िया जो टी मिल जाती है ये देखिए खासकर तो थानेदार डायरी फार्म पे बहुत ही बढ़िया जो टी बहुत ही बढ़िया दूध की आती हैं और जो टी कैमरे के सामने आपने देखी भी हैं ये देखिए बहुत ही भारी वर्कम और जिस भाई ने बात करनी इस भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा कमेंट में ज़रूर बताएँ इस भाई की जो टी आपको कैसी लगी आशा करूंगा सभी भाइयों को ये वीडियो पसंद आएगी आखिर तक वीडियो देखने वाले भाइयों को धन्यवाद।